इस समय हम जनपद सुल्तानपुर के ब्लॉक पीपी कमैचा के ग्राम सभा कुबेर साहब पट्टी में खड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर नव निर्वाचित प्रधान बृजलाल जी खड़े हैं। ये इनको इनकी ग्राम सभा वाले ने दूसरी बार मौका दिया है। आइए हम इस बारे में वहाँ के प्रधान बृजलाल जी से बात करते हैं। जैसा भी आप देख रहे हैं नई सड़क का निर्माण भी हो रहा है, काफ़ी लोग मनरेगा के मजदूर खड़े हुए हैं। बृजलाल जी क्या कहते हैं अपनी ग्राम सभा के विकास के बारे में, आइए हम उनसे जानते हैं। बताएं आपको आपकी ग्राम सभा की जनता ने दूसरी बार प्रधान चुना है जी, ठीक है, तो आप अपने गांव को विकास की किस दिशा में ले जाएंगे और क्या कहना चाहते हैं अपने गांव वालों को बताइए। गुरुजी, मैं अपनी इस जनता पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने रात दिन परिश्रम करके मुझे दोबारा प्रधान चयनित किया, आने का मौका दिया। और मैं ये चाहूँगा कि अपने ग्राम पंचायत में, मेरे ग्राम पंचायत में 6 पुरवे हैं, लखनपुर, किशुनदासपुर, कामापुर, जयपालपुर और पटीवा, मेन पुरवा दशवतपुर कुबेर साहब पट्टी के 6 पुरवे हैं मेरे ग्राम पंचायत में। और मैं ये चाहता हूँ कि अपने ग्राम पंचायत में पूर्ण रूप से गली कूचा से लेकर हर जगह तक विकास हो। स्वच्छ भारत का जो अभियान चल रहा है मैं उस पर खरा उतरूँ। और ये मनरेगा के तहत जो मैंने सबको लगाया है जॉब कार्ड के, जो हमारे कार्य कर रहे हैं मजदूर लोग, मैं ये चाहता हूँ कि ये रोजगार में रह करके इन सभी सड़कों का निर्माण करें। मेरे यहाँ सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, मेरे यहाँ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनको आवास चाहिए, जिनको खड़ंजा चाहिए, जिनको इंटरलॉकिंग चाहिए, जिनको वृद्धा विधवा तमाम पेंशनें आती हैं सरकार की तरफ, वो लगवाने का मैं धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ। और समस्त सड़कों को धीरे धीरे करके मैं समस्त सड़कों को निर्माण इस 5 साल में मैं कर ले जाऊंगा, ये मेरी तमन्ना है। और मेरी ये भी ये चाहत है कि गरीब पात्र लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई आवास भी नहीं है, छत के नीचे नहीं सो पा रहे हैं, पन्नी डाल के रहे हैं, छप्पर में रह रहे हैं, मकान खपड़ेले में रह रहे हैं, उनके पास कोई आवास नहीं है, कोई कमाई नहीं है, कोई जरिया नहीं है। मैं शासन से मांग मांग करके मैं अपने उच्च अधिकारियों से ये अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आवास मिले ताकि मेरे इस गरीब बस्ती का उद्धार हो, अच्छे कार्य। यूपी लाइव 100 न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सहयोगी जिला रिपोर्टर पंकज तिवारी के साथ राजीव तिवारी की खास रिपोर्ट।